नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मुस्लिम लोगों का एक और वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसके अंदर हम विल पढ़ेंगे, जिसको वसीयत कहते हैं और इसको वसीयत भी कहते हैं। तो प्री इस्लामिक टाइम पे हम देखते हैं विल क्या था और डेफिनेशन क्या है विल का, और विल कितना किया जा सकता है और विल रिवोक्ट कैसे किया जा सकता है, सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्री इस्लामिक टाइम में विल क्या होता था कि कोई भी बंदा विल बना सकता था, अपना वसीयत बना सकता था और वो अपनी इंटायर प्रॉपर्टी को दे सकता था। देखिए प्री इस्लामिक में क्या है, अपने पूरी प्रॉपर्टी को किसी को भी वो दे सकता था और वो एक्सक्लूड भी कर सकता था अपने हीयर्स को। वो अगर अपने हीयर्स को या सक्सेसर को ना देना चाहे प्रॉपर्टी, तो वो नहीं दे सकता, कोई इसको मना नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है विल का। तो विल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर वंस दैट। अगर कोई बिल बनाने वाले को टेस्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टेटर। ठीक, तो टेस्टेटर वसीयत करता अगर मर जाए बिल बना के, वसीयत बना के, तो जो है वो जो इफ़ेक्ट है वो आएगा मरने के बाद, यानी कि उसको मरने के बाद वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और कितना बिल बन सकता है इन मॉडर्न टाइम, तो देखिए यहाँ पर 1/3। इन इस्लामिक लॉ देर इज़ प्रोविज़न फॉर 1/3 ऑफ बिल कैन बी मेड। जो वसीयत करता है वो 1/3 ही बिल बनाकर किसी को भी दे सकता है। ठीक है ना, हीयर्स के अलावा किसी को भी अगर उसे देना हो तो 1/3 से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। और ये कहाँ से आया, मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो देखिए इब्न अबी वकास जो थे मक्का में, तो उस समय पे उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी, मतलब इतना प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि मक्का उन्हीं का था। तो वो मरने वाले थे, वो उनको पता था कि मैं मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं अब जाने वाला हूँ, अपना बिल बना के किसी को मैं ये प्रॉपर्टी वगैरह दे दूँ। उनकी एक ही लड़की थी, तो वो सोचते थे कि मैं ये प्रॉपर्टी किसको दूँ। तो मैसेंजर गॉड आए, यानी कि जो प्रॉफिट आए उनके पास, प्रॉफिट ने कहा कि आप क्यों दुखी हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी किसको दूं। तो वो बंदा कहता है, यानी कि अबी वकास कहते हैं कि मैं 2/3 में देना चाहता हूं किसी को। तो गॉड प्रॉफिट कहते हैं, मोहम्मद प्रॉफिट, कि वन तुम नहीं कर सकते ये काम। ठीक, फिर वो कहता है कि मैं 1/2 देना चाहता हूँ किसी को, दान में, चैरिटेबल में, किसी को, किसी भी काम के लिए। तो प्रॉफिट कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट कहते हैं तुम 1/3 जो है तुम किसी को एज अ बिल तुम दे सकते हो, किसी को तुम डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है ना, उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। और इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर 1806 के अंदर केस आया था विल के ऊपर लेके, कि 1/3 बिल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। और उसके बाद लेटर ऑन 1864 में एक केस आया था, 21 बीबी वर्सेस अशरफ अली। इस केस में क्या था कि विल डिफाइन कर दिया गया कि 1/3 ही जो है विल बनाया जा सकता है अदर्स के लिए। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट असेंशियल्स हैं कि हु कैन मेक अ विल। विल यानी कि विल कौन बना सकता है, यानी कि विल बनाए वसीयत कौन बना सकता है, और वसीयत करता है यानी कि वसीयत बनाने वाले को टेस्टेसर कहते हैं, टेस्टेटर। ठीक है ना, तो देखिए अब मुस्लिम, जाहिर सी बात है मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम मैन वुमेन कैन मेक अ विल, और साउंड माइंड होना चाहिए और वो मेजर एज होना चाहिए। देखिए मेजर का यहाँ पर मुस्लिम लॉ में क्या है, पर्सनल लॉ बोर्ड में, कि प्यूवर्टी जब तक अटेंड ना कर ले। प्यूवर्टी यानी कि मुस्लिम लॉ में 15 का एज हो जाता है, तो प्यूवर्टी मान लिया जाता है कि अटेंड हो गया, तो ही कैन मेक बिल। बट इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 जो है वो कहता है कि 18 होना चाहिए मेजोरिटी के लिए। गॉट इट। दूसरा जो है एन अपोस्टेट, यानी कि सर्वधर्म त्यागी, कोई धर्म को त्याग रहा है, मुस्लिम लॉ को, धर्म को त्याग रहा है, और वो कहता है कि ठीक है मैं इस धर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, वो बिल बना देता है तो वो बिल लॉफुल होगा। ये नहीं कोई कहेगा कि हाँ इस धर्म को इसने छोड़ दिया तो उसका बिल जो है इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पर उसका बिल बनाया हुआ लॉफुल होगा। इनसेन पर्सन, देखिए इनसेन पर्सन यानी कि अनसाउंड माइंड, जो पागल व्यक्ति भी जो है बिल बना सकता है, बट वो उसका विल जो है वॉइड होगा। ठीक है ना, वॉइड माना नहीं जाएगा उसके बिल को।
अगर वो इंसेन व्यक्ति मरने से पहले सेन हो जाता है, यानी कि वो पागलपन उसका ठीक हो जाता है, तो उसका विल जो है वैलिड वहाँ पर माना जा सकता है। इनसॉल्वेंट पर्सन जो कि पूरी तरह से डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, तो वो भी बिल बना सकता है, बट किसी भी फ्रॉड के तरीके से बिल बनाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ वो बिल बना सकता है, ही कैपेबल फॉर दैट। पर्दा नशी लेडी, देखिए पर्दा नशी लेडी भी जो है बिल बना सकती है, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, वो भी बिल बना सकती है। बोनाफाइड बिलीफ होना चाहिए कि हाँ ये सामने वाला करने वाला बंदा है, तो वो बिल बना देगी अपना। और माइनर, देखिए माइनर जो इसमें है, क्या नाम है, मुस्लिम लॉ में माइनर को, माइनर जबकि एक अटेन एज ना कर ले, एक मेजोरिटी एज ना कर ले, मेजोरिटी एज को ब्लूग कहते हैं कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो बिल बनाता है, वो बिल बनाते समय 10 साल का होता है वो, और वो अटेंड कर लेता है 15 साल पर्सन लॉ बोर्ड के हिसाब से, और 18 साल जो है मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से, तो उसका विल जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और वो जो है डिपेंड करता है, देखिए माइनर ने बिल तो बना दिया 10 साल पे, ये 15 साल पे कहता है कि ठीक है मैं इसे रेटिफाई करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे वेरीफाइड करता हूँ कि मैंने ये बिल बनाया है, तो वैलिड माना जाएगा। अगर वो डिनाई कर देता है मेजोरिटी एज होने के बाद कि मैंने ये बिल नहीं बनाया, तो वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। मर्ज उल मौत, मर्ज उल मौत का मतलब होता है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेथ इलनेस, यानी कि बंदे को पता है कि वो मरने वाला है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में 1/3 ही वो बंदा बना सकता है, लेकिन इसको ना ही तो गिफ्ट कहा गया है और ना ही इसको जो है वक्फ कहा गया है, ठीक है ना। वक्फ यानी कि वक्फ एक्ट 1995 से जो वक्फ बनते हैं वो, ठीक। तो इसको जो है विल ही कहा गया है, ठीक है ना, इसको विल नहीं, इसको विल कहा गया, ना ही इसको गिफ्ट कहा गया, ना ही इसको वक्फ कहा गया। जब ये मर्ज और मौत किसी व्यक्ति को पता है कि वो मरने वाला, जब वो बनाता है विल। और देखिए मुस्लिम लॉ में 1/3 क्यों परमिट किया गया है, क्योंकि अगर कोई बंदा होगा उसको अनलिमिटेड कर दिया जाए कि तुम्हारे पास जितनी इंटायर प्रॉपर्टी है तुम उसका बिल बना के किसी को भी दे सकते हो, तो कोई उसका जो हीयर्स है, उसके जो सक्सेसर हैं, उसके जो बेटे हैं, उसके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सामने वाला बंदा सोचेगा कि ठीक है ये मेरे को, मेरे बच्चे मेरे को कर नहीं रहे, तो मैं किसी और को सारा प्रॉपर्टी दे देता हूँ, तो वहाँ पर वो उनके पास जो है प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगा उसके हीयर्स वगैरह को। तो यहाँ पर इसलिए 1/3 को ही मंजूरी दी गई है। रिवोकेशन ऑफ बिल, बिल को कैसे रिवोक्ट किया जा सकता है, तो देखिए बिल को जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से रिवोक्ट किया जा सकता है, और कौन रिवोक्ट करता है, तो टेस्टेसर रिवोक्ट करता है, टेस्टेसर यानी कि बिल बनाने वाला। तो एक्सप्रेस रिवोकेशन क्या होता है, वन वेयर द टेस्टेसर रिवोक द बिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस टर्म्स ऑरली और राइटिंग। देखिए वो रिवोकेशन जो है ऑरली या फिर राइटिंग में करता है, बताता है कि इसको मैं वापस लेता हूँ अपने बिल को, तो वो ठीक है, वो बिल ख़त्म हो जाएगा। इम्प्लाइड रिवोकेशन, देखिए इम्प्लाइड रिवोकेशन यानी कि ऑन द स्पॉट क्या रिवोकेशन हो सकता है बिल का, जैसे कि ए ने एक लैंड दे दिया बी को, ठीक है ना, ये लैंड है, इस लैंड को, तो ए ने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दिया, तो यहाँ पर जबकि ए ने बी को दिया हुआ था, ट्रांसफ़र किया हुआ था, बट बिल्डिंग बना दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो इम्प्लाइडली बता दिया कि भैया अब ये मैं तुमको दे नहीं रहा हूँ, ये अब मैं ही रखूँगा इस लैंड को, ठीक है ना। यहाँ पर वो बता देगा, डायरेक्ट दिखा के उस चीज़ को, तो इसको इम्प्लाइडली कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए किस किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, और ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।